दोस्तों ये है OBS स्टूडियो 31.1.2। यहाँ पर आप देख सकते हैं OBS स्टूडियो में मेरा OBS स्टूडियो काफ़ी अतरंगी टाइप का लग रहा है। यहाँ आप देख रहे हो मैंने स्टूडियो मोड ओपन कर रखा है इसका। तो यहाँ पर जो हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है ये है हमारी प्रीव्यू विंडो और ऊपर यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की पट्टी दिखाई दे रही है। इसी तरह से जो हमारी प्रोग्राम विंडो है, प्रोग्राम विंडो आपको यहाँ पर रेड कलर में दिखाई दे रही है जैसे कि वीमिक्स में दिखाई देता था। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये वीमिक्स नहीं है, OBS स्टूडियो ही है। इसके अलावा बीच में आप जो देख रहे हो ट्रांजिशन का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपको एक टी बार दिखाई दे रहा है, जबकि जो नॉर्मल OBS स्टूडियो होता है उसमें आपको टी बार दिखाई नहीं देता है। ये जो पट्टी है प्रीव्यू है, ये वाला लुक है, ये बेसिकली वीमिक्स का लुक यहाँ पर दिखाई देता है। और ट्रांजिशन में यहाँ पर जो टी बार दिया गया है ये भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है देखने में। तो अगर आप भी अपने OBS स्टूडियो को इस तरह से अतरंगी रंगों में रंगना चाहते हो तो इसका वीडियो मैं बहुत जल्दी ही लेके आऊँगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो इस साइड जो हमारे सेटिंग्स के बटन आ रहे हैं, स्टार्ट स्ट्रीमिंग का बटन आ रहा है, तो किसी भी पर हम कर्सर लेके जा रहे हैं किसी भी बटन पर तो वो ब्लू कलर में शो हो रहा है। इस तरह से आप जैसा कलर चाहो वैसा कलर यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा जो इसका इंटरफेस है वो आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी उभरे उभरे इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो सोर्सेज में आप देखोगे इसके आगे जो लॉक का बटन है ये भी रेड कलर में शो हो रहा है, जबकि जो नॉर्मल OBS स्टूडियो होता है इसमें ये व्हाइट कलर में शो होता है। तो आप भी अपने OBS स्टूडियो को इस तरह से अतरंगी बना सकते हो और इंटरफेस को चेंज कर सकते हो। इसका एक पूरा ट्यूटोरियल वीडियो में बहुत जल्दी अपने चैनल पर लेके आने वाला हूँ। आपको अगर इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या इस तरह के वीडियो की हमें ज़रूरत है। और यहाँ पर आप देख रहे हो जो टी वार दिया गया है इससे हम जब स्विच करेंगे तो इस तरह से आप आधा स्विच भी कर सकते हो, यानी हमारा जो पहला सीन दूसरा सीन दोनों इस तरह से यहाँ पर एक साथ दिखाई दे जाते हैं। तो ये तो आप जानते ही हो नॉर्मल चीज़ है। इसके अलावा OBS स्टूडियो के अंदर NDI का जो ऑप्शन होता है, NDI भी एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। NDI के थ्रू आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे को वेब कैम की तरह OBS स्टूडियो के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा NDI के थ्रू मान लो आप चाहते हो आपके पास दो लैपटॉप हैं, आप चाहते हो एक लैपटॉप पर अपना OBS स्टूडियो ओपन करके लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की जाए और दूसरे वाले OBS स्टूडियो पर यानी दूसरे वाले लैपटॉप पर आप अपना गेम प्ले कर रहे हो और आप लाइव करना चाहते हो उस गेम को, तो आप दोनों PC को दोनों OBS को NDI के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और काफ़ी स्मूथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो NDI पर भी मैं एक बहुत ही आसानी से बढ़िया से एक अच्छा ट्यूटोरियल वीडियो लेके आने वाला हूं। तो आप बताओ पहले आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, NDI पर आपको चाहिए या फिर OBS स्टूडियो को अतरंगी कैसे बनाएं इस पर आपको चाहिए? तो मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट कीजिए।